दोस्तों, फिजिक्स का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हम विज्ञान में समय के साथ बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इसका कारण है दुनिया में वैज्ञानिकों का दो ग्रुप में डिवाइड हो जाना। जैसे किसी काम को दो लोग एक साथ मिलकर एक दिन में पूरा कर लेते हैं, पर अगर दोनों किसी मतभेद के कारण अलग होकर उसी काम को अकेले करें तो काम अब डबल हो जाएगा और समय भी काफ़ी लगेगा। और यही हुआ आज के दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के साथ। और इसकी शुरुआत होती है सर आइजैक न्यूटन से, जिन्होंने लाइट को समझने के लिए सन 1672 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट असल में छोटे छोटे इलास्टिक पार्टिकल होती है जो कि मासलेस होते हैं। इससे उन्होंने लाइट की कुछ फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, पर इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट जैसी कई घटनाओं को नहीं बता पाए। और कुछ सालों बाद सन 1690 में हाइगेंस आए, जिन्होंने लाइट से जुड़ी हुई एक और थ्योरी दी जिसे हाइगेंस वेव थ्योरी कहा गया। और इस थ्योरी में हाइगेंस ने लाइट को वेव समझा और उन्होंने भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, पर वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट जैसी फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूटन उस समय के बहुत अमीर और बहुत बड़े रुतबे के साइंटिस्ट थे, इसलिए दुनिया ने न्यूटन की थ्योरी को सही माना और हाइगेंस की थ्योरी को नकार दिया। और दुनिया के सभी लोग लगभग 100 सालों तक न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सही मानते रहे, पर 100 सालों के बाद मैक्सवेल आए, जिन्होंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी से हाइगेंस की थ्योरी को सही बताया, पर वो भी लाइट की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए। और फिर 20वीं शताब्दी में आइंस्टीन आए, जिन्होंने न्यूटन को सही बताते हुए लाइट को पार्टिकल माना और उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, पर इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को नहीं समझा पाए। अब समय ऐसा हो चुका था कि दुनिया के आधे वैज्ञानिक लाइट को पार्टिकल समझते थे और आधे वेव। आखिर में डी ब्रोगली आए, जिन्होंने लाइट को ड्यूल नेचर यानी कि दो नेचर वाली बता दिया और उन्होंने कहा जो फिनोमिना वेव से एक्सप्लेन हो तब लाइट को वेव मान लें और जो फिनोमिना पार्टिकल से एक्सप्लेन हो तब लाइट को पार्टिकल मान लें। पर वो ये नहीं समझा पाए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों किया जाए। आज की दुनिया में आधे साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल और आधे लाइट को वेव मानते हैं। और सिर्फ यही एक घटना नहीं है जिसमें साइंटिस्ट दो ग्रुप में बटे हैं, बल्कि ऐसी और भी घटना है, पर वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ एक घटना मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में विज्ञान में जितने आविष्कार हुए आज हम उस रफ्तार से बहुत पीछे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि साइंटिस्टों को मिले आंकड़े ये कह रहे हैं। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हम अपनी पुरानी सभ्यता का सिर्फ 15% ही विज्ञान समझ पाए हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि आज की दुनिया में सिर्फ हम 4 आयामों को जानते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई और समय, पर पुरानी सभ्यता से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें कुल 16 आयाम पता थे। दोस्तों, ये आयाम वाली वीडियो को मैं जल्द ही फुल एक्सप्लेन में लाऊंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।